बिसमिल्लर सब तारीफ़ें अल्लाह ताली के लिए अस्सलामुअलैकुम उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ यूके आना चाहते हैं जैसे कि आप सबको पता है कि के केयर वर्कर्स के वीज़ाज़ पे अब डिपेंडेंट्स उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं कोड सिक्स वन फ़ोर फाइव और कोड सिक्स वन फ़ोर सिक्स पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं जो जिन्होंने कॉज के लिए अप्लाई किया था उनका कॉज अभी तक नहीं आया या वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था या फिर वो लोग जो डिपेंडेंट्स के साथ यूके आना चाहते थे पहले तो स्टडी वीज़ा पे डिपेंडेंट्स आ सकते थे साथ फिर केयर वर्कर वीज़ा पे लेकिन उन्होंने इन दोनों के डिपेंडेंट्स को क्लोज कर दिया है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ यूके जाएं तो उनके लिए मैं कुछ ऐसी जॉब्स लेके आई हूँ जो मैं आपको बताऊँगी जिसके बिहाफ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो आपका वक्त जया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहली जो जॉब है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं वो है नैनी की जॉब इसमें भी आपको केयर करनी पड़ती है बच्चों की और सैलरी जो है इसमें वो केयर असिस्टेंट या केयर वर्कर से ज़्यादा होती है इसको आप गवर्नमेंट डॉट यू की वेबसाइट पे जाके सर्च करें नैनी की जॉब्स जितनी भी होंगी वो आ जाएंगी उस पर आप अप्लाई करें तो आपको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल सकती है उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जॉब है वो है वेटर या वेटरेस की जॉब यूके में ये जॉब भी काफ़ी हाईली डिमांडेड होती है और शॉर्टेज ऑकोपेशन लिस्ट में भी है अगर आप लोग तो स्पीकिंग अच्छी है आपकी या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद तीसरे नंबर पे एनएचएस की नॉन क्लिनिकल जॉब्स आती हैं जिसमें आप ईज़िली स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं इसमें जो है जॉब डिस्पैच कोऑर्डिनेटर की हो सकती है थेरापिस्ट असिस्टेंट की हो सकती है एडमिनस की हो सकती हैं आप गवर्नमेंट डॉट यू के की वेबसाइट पर जाके एन एच एस की नॉन क्लिनिकल जॉब्स जो हैं वो सर्च करें तो जॉब्स जितनी भी जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी उसमें से आपको जो बेहतर लगती है उस पर आप अप्लाई करें तो आप इजीली स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं इसके बाद कंस्ट्रक्शंस की जॉब है जो हाईली डिमांडेड है इन दिनों कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे वीज़ाज़ खुले हुए हैं और स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है इसमें प्लम्बर की जॉब हो सकती है कारपेंटर की हो सकती है मैसन की प्लास्टर्स की पेंटर्स की या फिर इलेक्ट्रिशियंस की जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है या आपको थोड़ा बहुत काम आता है उसके रिलेटेड तो आप इस जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी शॉर्टेज ऑकोपेशन लिस्ट में शामिल है तो इसमें आपको ईज़ीली स्पॉन्सरशिप मिल सकती है इसके बाद लास्ट वन जो है वो टीचिंग uh, असिस्टेंट की जॉब है टीचिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत टीचिंग के रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप अपने अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते हैं या फिर वो लोग जो यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं वो टीच टीचिंग असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स के साथ यूके में रह सकते हैं टेस्ट डॉट कॉम वेबसाइट है उस पर जाके आप सर्च करें तो आपको टीचिंग असिस्टेंट के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो मिल जाएंगी तो उन पर आप अप्लाई करें आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है तो ये कुछ जॉब्स थी जिनके बिहाफ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं कोशिश करें कि इन जॉब्स पे ख़ुद अप्लाई करें इंटरव्यू क्लियर करें ताकि आपको स्पॉन्सरशिप डायरेक्ट मिल जाए आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े जो आप एजेंट्स को जाके देते हैं पच्चीस पच्चीस तीस तीस हज़ार पाउंड उससे आप बचेंगे आपको ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते हैं होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें फिर हाजिर होंगी इन एक नए वीडियो के साथ बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़